और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है चाय से। और अभी हमारे घर में चाय बन चुका है, चाय और रोटी। तो चाय रोटी खाएंगे और आज के दिन की शुरुआत चाय से होती है और ब्लॉग भी शुरू होते हैं। और अभी इधर चाय पीने के बाद सब्जी वगैरह बनना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अभी भात और सब्जी बन रहे हैं, फिर भात सब्जी खाएंगे, फिर कहीं ना कहीं तो घूमने के लिए जाएंगे पक्का आज। और अभी शाम के 3 बज रहा है तो सोचा क्यों ना चलते हैं अभी थोड़ा सा मार्केट की तरफ। और आज शनिवार है, शनिवार में कहाँ मार्केट लगते हैं, मैं अभी आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। तो 3 बजे हमको बुला के अभी 4 बजे दिया, ये मेरा बाप साइकिल। तो साइकिल चला नहीं रहा था तो हम साइकिल को कंधे में उठा लिया। अभी साइकिल को हम ढो के लेके जा रहे हैं। साइकिल हमको क्या ढोएगा, हम साइकिल को ढो के लेके जा रहे हैं। तो गैस चलिए साइकिल स्टैंड पर रख देते हैं, मतलब साइड में, स्टैंड तो नहीं है। तो उसके बाद हाट का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, चलिए चलते हैं हाट की तरफ। अभी हाट के बीच हम लोग आ चुके हैं और हाट के बीच आते ही अभी हमको सुपर राज भाई से मुलाकात हो चुका है, डांसर सुपर भाई है। तो चलिए अभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, अभी हाट में घूमते हैं और आप लोगों को हाट का नज़ारा दिखाते हैं। सुपर भाई से कुछ पूछते हैं, कुछ बोलो। सब ठीक है। तो चलिए इन लोगों को ब्लॉग बनाने में इतना आदत नहीं है तो हम ही बता देते हैं आप लोगों को। और मैं रास्ते में आते आते आप लोगों को बताया था कि शनिवार में मार्केट कहाँ पर लगता है। तो शनिवार को जो हाट मार्केट लगता है वह एक स्टेशन, मतलब एक फोटक है, बड़कला फोटक के सामने लगता है, इसे बाबा भूतेश्वर के नाम से मतलब जाना जाता है। तो यहाँ पर आज शनिवार को हर दिन, हर सप्ताह शनिवार को लगता है शाम के 3 बजे या 4 बजे से, मतलब 2-3 बजे से स्टार्ट हो जाता है हाट। और काफ़ी सब्जी वगैरह और हर एक चीज़ आता है मतलब। और अगले सप्ताह तो पक्का मकर हाट होगा, मतलब जो टूसू मेला वगैरह होता है ना उस तरह से होगा। और आज भी काफ़ी भीड़ है मतलब हाट में। हम तो शाम के वक्त आए हैं, इससे पहले और ज़्यादा भीड़ था, हम ब्लॉग में नहीं दिखा सका क्योंकि मैं थोड़ा सा आने में लेट हो चुका था, इसलिए आप लोग को ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं दिखा पाया। अभी तो हाट मतलब क्या बोलते हैं, ख़त्म ही हो चुका है शायद, मतलब इतने लोग आए थे बाज़ार वगैरह सब्जी वगैरह लेना था, वो सब कुछ सब लोग लेके और चले गए। और अभी थोड़ा कम है भीड़, हम थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे जो मतलब टूसू मेला जो मकर हाट होता है उसमें हम जल्दी आएंगे और आप लोगों को भीड़ का नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ होता है। वैसे तो सब्जी वाला जो लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं वो काफ़ी लोग आए हैं सब्जी वगैरह बेचने के लिए। और ठंड इतनी तेज़ से ठंड बढ़ चुका है कुछ दिन से, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि क्या बताऊँ सब, मतलब ठंड के मारे मेरा भी तो हालत ख़राब हो चुका है और थोड़ा सा गला भी बैठ चुका है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सर्दी सा जो जुकाम ख़राब होता है ना ऐसा टाइप का लग रहा है। और भाई पता नहीं आज मैं किसी भी दुकान में सब्जी वगैरह का रेट नहीं पूछ के देखते तो पता चलता कि आज सब्जी का भाव कितना है। मैंने तो किसी भी दुकान में सब्जी का रेट नहीं पूछा, बस रास्ते पे चल रहा हूँ और ब्लॉग बनाते ही जा रहा हूँ, आप लोगों से बातें करते ही जा रहा हूँ। तो चलो फाइनली आप लोगों को जो हम हाट का नज़ारा दिखा रहा हूँ इसके चलते आप लोगों को एक लाइक तो बनता है, अगर लाइक नहीं करना है तो कम से कम एक कॉमेंट कर देना। तो अभी हाट से वापस घर आ चुके हैं और अभी रात के खाना वगैरह सब कुछ खा लिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं और अभी अपन सोएगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, बाय।